नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एमएलसी चुनाव में भाजपा के 9 प्रत्याशियों का ऐलान, तो अखिलेश का ओबीसी, दलित और मुस्लिम दाव। एमएलसी के 4 प्रत्याशियों के नाम किए तय, स्वामी प्रसाद मौर्य आज करेंगे नामांकन। योगी सरकार की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद, पुलिस महकमे में 69 डिप्टी एसपी के ट्रांसफर। पंचायत चुनाव से पहले पुलिस महकमे में तबादले का दिया कड़ा संदेश। ज्ञानवापी परिसर में पूजा की जिद पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अनशन खत्म। 108 घंटे बाद जगत गुरु शंकराचार्य के आदेश पर खत्म किया। मठ के बाहर सुरक्षा को लेकर फोर्स तैनात। लखीमपुर खीरी के हैदराबाद में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 दर्जन से अधिक घायल। कुशीनगर के गांव मठिया आलम में दबंगई, जमीनी विवाद में महिला की ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या। खेत में धान का लेव लगाने से रोकने पहुंची थी महिला। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा ने 9 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 5-7 मंत्रियों को विधान परिषद भेजा जाएगा। सबसे चौंकाने वाला नाम लखनऊ महानगर के अध्यक्ष मुकेश शर्मा का है। बता दें, मुकेश शर्मा केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के करीबी लोगों में शुमार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 9 प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी हैं। सरकार के 7 मंत्रियों को विधान परिषद भेजा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पंचायती मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह का विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल 6 जुलाई को खत्म हो रहा है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप, आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु, संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है। इसके अलावा लिस्ट में बनवारी लाल दोहरे का भी नाम है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लिए सपा ने 4 नाम तय कर दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा पार्टी सोबरन सिंह यादव, सुशील आनंद और शहनवाज खान उर्फ शब्बू को विधान परिषद भेज सकती है। विधान परिषद में 6 जुलाई को 13 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। इसके लिए 20 जून को चुनाव होना है। इन 13 सीटों पर संख्या बल के गणित से सपा के खाते में 4 सीटें आ सकती हैं। इसलिए 4 प्रत्याशियों के नाम तय किए गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी उम्मीदवारी की खुद घोषणा कर दी। अखिलेश यादव ने उच्च सदन के चेहरों को तय कर वक्त जातीय समीकरण का खास ध्यान रखा है। अखिलेश एक बार फिर से ओबीसी, दलित और मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। 4 में से 2 ओबीसी, 1 दलित और 1 मुस्लिम चेहरे को विधान परिषद में भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में शासन ने 69 डिप्टी एसपी के ट्रांसफर किए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले किए थे, जिसके बाद अब पुलिस महकमे में 69 डिप्टी एसपी के ट्रांसफर से शासन की मंशा साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की कोई गुंजाइश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन ने फेरबदल करते हुए अनिल कुमार सचान को पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम थाना कानपुर, कमल सिंह चौहान को डिप्टी एसपी सीबीसीआईडी और सुधा चौधरी को सहायक पुलिस आयुक्त बनाया गया है।
हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में ज्येष्ठ दशहरा पर होने वाले गंगा स्नान और लगने वाले मेले को लेकर डीएम मेधा रूपम ने अफसरों के साथ निरीक्षण किया और अफसरों को मेले की तैयारियों की नियमित समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्नान और मेले के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और समुचित संख्या में महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेले में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जो हमारा दशहरा मेला है उसकी तैयारी करने समस्त यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आए हैं और समस्त डिपार्टमेंट्स का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मेले में जितने हमारी जनता है उन सबको सुविधा रहे पूर्ण रूप से, चाहे उनका पानी हो, चाहे चेंज करने के लिए टॉयलेट्स हो, चाहे उनके लिए शौचालय हो, चाहे मेडिकल की सुविधा हो, फायर ब्रिगेड हो, हर चीज़ की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आशा करते हैं कि अच्छे से सभी के स्नान हो, शांतिपूर्वक पूरा मेला हमारा हो। इसमें विस्तृत रूप से हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था करी है और सभी मेरी जनता से भी अनुरोध रहेगा कि पार्किंग यही सोच के बनाई गई है कि कहीं पे भी ट्रैफिक एक जगह इकट्ठा ना हो, तो पार्किंग विस्तृत रूप से है। रास्ते जो है हम लोग पूरे तैयार कर रहे हैं, उन्हीं रास्तों से ट्रैफिक चलेगा एंड साथ में पूरा प्रयास रहेगा कि कहीं पर भी ट्रैफिक में अड़चन नहीं है। अब खबर वाराणसी से है, जहाँ ज्ञानवापी परिसर में राग भोग पूजन की जिद पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अनशन समाप्त कर दिया है। 108 घंटे बाद अपने गुरु जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के कहने पर बुधवार को सुबह 7 बजे अनशन को समाप्त कर दिया। दरअसल पिछले 4 दिन से अन्न जल त्याग कर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अनशन पर बैठे हुए थे। ऐसे में उनको गुरु जगत गुरु शंकराचार्य ने पत्र लिखकर अनशन खत्म करने को कहा। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि स्वास्थ्य कारणों से उनका अभी वाराणसी आना संभव नहीं है। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 4 जून को ज्ञानवापी परिसर में पूजा का ऐलान किया था, हालांकि पुलिस और प्रशासन ने उन्हें ज्ञानवापी जाने से रोक दिया तो वह श्री विद्या मठ में अनशन पर बैठ गए। मठ के बाहर भी प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पुलिस फोर्स तैनात की है। इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने संकल्प लिया था कि जब तक शिवलिंग की पूजा शुरू नहीं हो जाती तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य, जो कि इस देश के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और इस समय देश के सर्ववरिष्ठ धर्माचार्य हैं, उनके आदेश से हम भगवान विश्वेश की पूजा के लिए आए थे और वो पूजा वो आदेश पूरा ही कर दें इसके लिए जान लगा करके आगे बढ़ रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि जगत गुरु जी का आदेश बाकी रह जाए, लेकिन उन्हीं जगत गुरु जी का आदेश आ गया कि अब तुम इसको तपस्या को विराम दो और भिक्षा करो और भिक्षा करके देशव्यापी अभियान चलाओ। उत्तराखंड के महाराजगंज में गोंड धुरिया समाज का पिछले 30 दिन से धरना चल रहा है, जिसको लेकर जिला मुख्यालय परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने समाज के लोग जुटे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में मौजूद समाज के लोगों ने जिला अधिकारी और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की। आपको बता दें, मांग में समाज के जिला अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व की भांति आज भी गोंड धुरिया को अनुसूचित जनजाति का दर्जा बरकरार रखा जाए। दरअसल केंद्र सरकार के शासनादेश 2003 के मुताबिक गोंड और उनकी उपजातियों को महाराजगंज सहित प्रदेश के 13 अन्य जनपदों में अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का आदेश भी दिया गया है, लेकिन महाराजगंज में जाति प्रमाण पत्र फिलहाल जारी नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में तहसील और जिला स्तर पर गोंड धुरिया समाज के लोग आज भी भटकने को मजबूर हैं। हमारी मांग है जाति प्रमाण पत्र, धुरिया गोंड जनजाति का जाति प्रमाण पत्र तहसील प्रशासन के द्वारा नहीं जारी किया जा रहा है।
जिसके जिसको लेकर के हम तीन दिन हमारे बच्चे आमरण अनशन पर थे। उसके बाद अनवरत प्रशासन के कहने पर आमरण अनशन तोड़ दिया गया। मात्र 3 सर्टिफिकेट जारी हुए और जिनके 3 सर्टिफिकेट जारी हुए उनके बच्चों का, उनके परिवारों का अब तक नहीं जारी हुआ और उनका ऑनलाइन आवेदन निरस्त भी कर दिया गया तहसील प्रशासन की तरफ से। इससे हमको विश्वास नहीं होता है। इस नाते हम लोग ने कहा कि अगर हमको हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है तो हम लोग जेल चलेंगे। आज जेल में आकर हम गिरफ्तारी दे दिए हैं। यहाँ पे आज कलेक्ट्रेट कैंपस में अखिल भारतीय गोंड महासभा के नाम राजमंगल जी अध्यक्ष है, उनके अध्यक्षता में यहाँ पे एक जनसभा आयोजित की गई थी जिसमें लगभग 300 से लेकर 500 तक भीड़ थी। इनकी ये मांगे थी कि गोंड जनजाति की सर्टिफिकेट इनका बनाया जाए। इसी के क्रम में इनका जो हड़ताल चल रहा था पिछले 10 दिनों से, और इसी क्रम में इस प्रशासन की तरफ से हमने ये आश्वासन दिया इनको कि जितने भी इनकी समस्या है वो सब जो है मेरिट के बेसिस पे और लेटेस्ट जीओ और हाईकोर्ट के ऑर्डर के क्रम में हम निस्तारण करेंगे। अब खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहाँ हैदराबाद थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्रामीण उदयपुर गाँव से मडहा महादेव स्थल पर आयोजित मेले में भाग लेने गए थे, जहां से वापस लौटते वक्त खोखाए गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बच्ची और महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन लोग घायल हो गए जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को लखीमपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। रंजीत कुमार, क्या घटना हुई है? ये हम भैया आ रहे थे वहाँ मढ़ाकोट से भंडारा माता जी का करवा के आ रहे थे, और ये सेवापुर के पास में ये एसओ साहब की गाड़ी और पार्क लगी थी, उन्होंने साइड नहीं दी। एसओ साहब ने हाँ एसओ साहब थे हैदराबाद थाने के। अब शायद हैदराबाद क्यों ये गोला क्यों ये नहीं कंफर्म नहीं कर पाए। साहब की गाड़ी थी, बस इतना हम लोग देखे तब तक वो हादसा हो चुका था। हम लोगों की पलट गई, हम लोग उधर पड़ गए। अनलोड लगी थी, साइड देने के चक्कर में वो ट्रैक्टर फिसल गया खाई में। अब खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है, जहां ससुराल पहुंचे एक युवक ने खून की होली खेलते हुए अपने साले और पत्नी को चाकू मारकर घायल कर दिया। मामला लोनार कोतावली क्षेत्र के गंगोली का है। इसके बाद दोनों घायलों को परिजनों ने सीएचसी में भर्ती कराया और ग्रामीणों की मदद से आरोपी को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम गंगोली थाना लोनार का एक प्रकरण अभी संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति जो अपने ससुराल गया था वहाँ पर ससुराल में ही उसका ससुराली जनों से विवाद हो गया, जिसके कारण वो सब्जी काटने वाले चाकू से उसने अपने अपनी पत्नी और उनके 2 भाइयों पर हमला कर दिया। उनको जिला चिकित्सालय भिजवाया गया है, और जब उनका उनसे पूछताछ की गई कि ऐसा क्यों किया गया तो उन्होंने कहा ये नशे में थे, ये नशे के हालात में झगड़ा किए और जिसके बाद एक घटना घटी है। पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है, इसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रदेश के महाराजगंज से है, जहां एक तरफ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहती है तो वहीं दूसरी तरफ बारिश के दिनों में नौतवनवा तहसील में महवा नाले के समीप बसे दर्जनों गांव के किसानों की फसल चौपट हो जाती है। दरअसल महाव नाले का तटबंध टूट जाने के चलते सैकड़ों एकड़ धान बर्बाद हो जाता है। किसानों ने बताया कि महाव नाले की साफ सफाई समय पर नहीं होने के चलते बारिश के समय टूट जाता है। ऐसे में अब किसान एक बार फिर से चिंतित दिखने लगे हैं। आज भी हमारे देश में लगभग 33% किसान हैं जो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। ऐसे किसान जिनके घरों में कोई ना तो सरकारी नौकरी करने वाले लोग होते हैं ना ही प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग होते हैं, ऐसे किसान जो केवल खेती बाड़ी करके धान और गेहूं उगा के अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और अपने लड़के और लड़कियों की शादी करते हैं, अपने अपने परिवार का बेहतर भविष्य बनाने के लिए सिर्फ खेती पर ही आश्रित हों। इस समय हम मौजूद हैं महाराजगंज जिले के नौतनवा तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले महाव नाले के पास। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, ये महाव नाला है जो महाराजगंज जिले के सटे बॉर्डर के नेपाल से होकर के ये नाला जंगलों को जाता है। इस नाले की बेहतर साफ सफाई ना होने की वजह से यह नाला
लगभग नौतनवा तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले दर्जनों गांव से होकर गुजरता है और कई जगहों पर बारिश के समय में, चूंकि अब बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, ऐसे में ये नाला कई जगहों से क्रैक हो जाता है, कई जगहों से टूट जाता है, जिससे यहाँ के किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। आपको बता दें, चूंकि बरसात का समय शुरू हो गया है, इस समय जो किसान हैं वो धान की खेती करते हैं, चूंकि जो यहाँ के स्थानीय किसान हैं वो केवल उनके धान फसल उगाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। ऐसे में चूंकि बरसात का समय शुरू होने वाला है और इस बार जिला प्रशासन के द्वारा महाव नाले की मरम्मत के लिए क्या कुछ कार्य योजना बनाई गई है, किस तरह से इस बार किसानों के धान की फसल को बचाया जाएगा, इसकी क्या कुछ व्यवस्था हुई है, इसके संदर्भ में यहाँ के जिला प्रशासन से बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो किसान हैं उनको, जो धान की खेती करते हैं, उन्हें किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो ये महाव नाला है जब क्रैक होता है, जब टूटता है, तो यहाँ के लगभग कितने जो एकड़ की खेती है वो प्रभावित होती है, इस मामले में यहाँ के किसानों से बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें, चूँकि नौतनवा तहसील क्षेत्र में पड़ने वाला ये महाव नाला जो नेपाल से होकर जंगलों में जाता है, इस नाले के आसपास लगभग दर्जनों ऐसे गाँव हैं जहाँ के ग्रामीण जो हैं केवल खेती बाड़ी करते हैं और धान और गेहूँ की फसल उगाते हैं। इस समय जो सीजन चल रहा है, धान की सीजन चल रहा है, इस महाव नाले के पास के भी आसपास के जो ग्रामीण हैं वो धान की खेती करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन धान की फसल काट पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि जो बेहतर मरम्मत ना होने के कारण ये नाला कई जगहों से टूट जाता है, जिससे लगभग सैकड़ों एकड़ की जो किसानों के धान के फसल होते हैं वो नुकसान हो जाते हैं। उसके बाद से जब ये नाला टूटता है तो जिला प्रशासन जागता है और कई जगहों से छोटे मोटे मरम्मत कराए जाते हैं, कहीं नरेगा से काम होता तो कहीं सिंचाई विभाग के द्वारा काम कराया जाता है, उसके बावजूद भी ये नाला कई जगहों से क्रैक हो जाता है। इस समय हम बिशुनपुरा और दोगहरा गांव के बीच में खड़े हैं। अब देख सकते हैं ये भी अभी हाल ही में ये तटबंध को बनाया गया है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा जान के कि इसमें जिला प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। इस तटबंध को बांधने में गांव के लोगों ने सहयोग किया है, इसमें जो खर्च आया है यहाँ के लोगों ने चंदा करके इकट्ठा करके तटबंध बनाया है। कहीं ना कहीं इस उम्मीद में इन्होंने ये तटबंध बनाया कि इस बार का जो बाढ़ है, इस बार का जो बारिश है, उससे ये नाला ना टूटे और किसानों के फसल ना नुकसान हो। अब सोचिए कि जिला प्रशासन ऐसे में किस तरह से बौना साबित हो रहा है। जो काम जिला प्रशासन को करना चाहिए, जो जिम्मेदारियाँ जिला प्रशासन की हैं, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इन सब मामलों में पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो अपने फसलों को बचाने के लिए कई तरह के नुस्खे अपना रहे हैं और इसी के तहत शायद आज किसानों ने अपने धान की फसल को बचाने के लिए ये चंदा इकट्ठा करके ये तटबंध बनवाया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पीछे हट रहा, वहीं पर अब ग्रामीण कमर कस के आगे आ रहे हैं और अपने फसलों को बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। वहीं महाराजगंज के जिला प्रशासन का कहना है कि इस बार जो किसानों के धान है उनको बचाने के लिए जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग के द्वारा हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरे तरफ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, भाजपा के विधायक ऋषि त्रिपाठी और यहाँ के 6 बार के सांसद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, अभी जो हाल ही में 3-4 दिन पहले यहाँ का उन्होंने निरीक्षण किया, मंत्रियों ने भी आश्वासन दिया है कि इस बार मरम्मत होगा और किसानों की फसल को बचाया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि बरसात का समय शुरू होता है, किस तरह से जो किसान हैं उनके फसलों को बचाया जाए। इसी मामले में आइए हम यहाँ के कुछ किसानों से बातचीत करते हैं कि इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार और प्रशासन से, साथ ही साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, और जब ये नाला टूटता तो किसानों को किस तरह से नुकसान होता है, इसके बारे में भी हम यहाँ के किसानों से जानेंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं A1 TV संवाददाता नौतनाव महाराजगंज। खबर बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र से है, जहां गांव खारी की पंचायत में प्रधान की ओर से एक हाजी परिवार को तुगलकी फरमान जारी किया गया, जिसके तहत पीड़ित परिवार का बिरादरी से हुक्का पानी बंद करने का ऐलान किया गया है। जानकारी के अनुसार गांव के दबंग प्रधान ने रंजिश के तहत हाजी के दरवाजे के सामने ही शादी का खाना बनाना शुरू कर दिया था और आग की तपिश से परेशान होकर पीड़ित ने विरोध किया तो प्रधान ने पंचायत बुलाई और पीड़ित परिवार का बिरादरी से हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुना दिया, जिसकी शिकायत पर पीड़ित ने पुलिस से की है, जिसकी जांच की जा रही है।
मैं मोहल्ला इमली चौक का रहने वाला हूँ जी। यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक शादी ब्याह का खाना बनाते हैं जो कि बिल्कुल हमारे गेट के सामने बना रहे हैं। इस चीज़ को हमने थोड़ा सा मना किया तो नदीम ग्राम नदीम प्रधान इस चीज़ को लेके के यहीं बनेगा कुछ जो कि गलत है, हमारे गेट के सामने बनाया जा रहा है। उस चीज़ को हमने विरोध किया कि भाई हमारे को गर्मी भी होती है, घर में मेरे माता पिता बीमार हैं, 80-90 साल के हैं, धुआं जाता है, परेशानी पड़ती है, रास्ता भी जाम होता है। इस तरह का अगर विरोध किया तो उसने गांव की पंचायत जमा करके 100-150 आदमी का साइन लेके हमारा बायकाट कर दिया है कि इनका बायकाट करा जावे और इनका हुक्का पानी बंद करा जावे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।